हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग साइंस में लेसन नंबर क्लास फाइव साइंस में लेसन नंबर एट पढ़ेंगे, सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है, इस पे ध्यान देंगे। द वर्ल्ड अराउंड अस इज मेड अप ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये हमारी दुनिया जो है पूरे चारों तरफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये दोनों चीजों से बनी हुई है। सर्टेन थिंग्स आर विजिबल टू अस व्हाइल सम अदर आर नॉट विजिबल। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कि हम लोग देखते हैं, और जबकि कुछ दूसरी ऐसी चीजें हैं जिसको कि हम लोग देख नहीं पाते हैं। वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं, दे आर इनविजिबल, वे इनविजिबल हैं। एनीथिंग दैट हैज वेट एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी वस्तु में वजन होता है और वो जगह को भी छेदता है, उसी स्पेस को ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। तो एवरीथिंग फ्रॉम ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द हाईएस्ट माउंटेन इज मैटर। तो प्रत्येक चीजों में से जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लिए हैं, जो कि ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो भी मैटर हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनीथिंग और लिविंग बींग्स। तो मैटर जो तत्व हैं, ये पदार्थ हैं, ये क्या चीज से बने हैं, ये छोटे छोटे एटम से बने हैं, उसमें जो कि कोई भी वस्तु हो, लिविंग बींग्स हो या नॉन लिविंग बींग्स हो, दे आर द बिल्डिंग्स ब्लॉक्स ऑफ मैटर। वे उसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर है, जैसे बिल्डिंग बनाने के कोई भी काम में यूज होते हैं, ईंट है, स्टोन है, ये सब। एन एटम इज दैट स्मॉलेस्ट इनविजिबल पार्टिकल मैटर। वो एक एटम्स छोटे छोटे, इतने छोटे होते हैं कि उसमें आपको दिखाई प्रत्यक्ष रूप से नहीं देते। इट कैन नॉट बी मेड चेंज और डिस्ट्रॉय। यह जो है बदल, इसका बदलाव नहीं हो सकता है और इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। एटम कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मैटर। एटम जो है एक साथ जुड़ करके एक मॉलिक्यूल्स तैयार होता है, और मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ करके एक मैटर तैयार होता है। तो एटम ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए डीपनिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। उसका एक आकार बन जाता है जिसको कि मॉलिक्यूल कहते हैं। द फॉर्म इन विच मैटर एग्जिस्ट डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट। तो जब वो बनता है मैटर, पदार्थ बनते हैं, वे मॉलिक्यूल्स के ऊपर निर्भर रहते हैं,
सिंस द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट कंबाइन इन डिफरेंट वे, तो वो मॉलिक्यूल्स भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों में और भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं. दे अपीयर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, इसलिए वे एक दूसरे से भिन्न रहते हैं. अब इसमें हम लोग देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस. मॉलिक्यूल्स इन ए सॉलिड अरेंज इन ए फिक्स पैटर्न. सॉलिड में मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं वो फिक्स पैटर्न होता है. सॉलिड को आप लोग जानते हैं ठोस पदार्थ, उसका आकार फिक्स रहता है, उसमें बदलाव नहीं हो पाता है जब तक आप उसको बदलेंगे नहीं. हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वे एक साथ अट्रैक्टिव उसके अंदर पावर होती है, आकर्षण का पावर होता है, जो कि एक साथ काफ़ी वो बंध जाते हैं, स्ट्रॉन्ग मजबूत हो जाते हैं. वेरी क्लोज टू वन अनदर, अब ये एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक हो जाते हैं. हैव नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और उसके अंदर में कोई जगह मौजूद नहीं रहती है. सो दे कैन नॉट चेंज शेप, इसलिए उस अपना आकार वो नहीं बदल पाते हैं. है फिक्स शेप एंड वॉल्यूम एंड कैन नॉट फ्लो, और फिक्स शेप होता है और इधर उधर बढ़ भी नहीं सकता है न बदल भी सकता है. ठीक मॉलिक्यूल्स इन्हें सॉलिड उस प्रकार के होते हैं. अब मॉलिक्यूल्स इन्हें लिक्विड, लिक्विड को आप जानते हैं पानी की तरह, तेल की तरह जो पदार्थ होते हैं उनको लिक्विड बोलते हैं. तो मॉलिक्यूल्स लिक्विड में देखिए कैसे रहता है. नॉट अरेंज इन एनी फिक्स पैटर्न, लिक्विड का कोई फिक्स आकार नहीं होता है. हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर पूल, उसके अंदर कमजोर मॉलिक्यूल्स होता है जो कि बंधा रहता है. नॉट सो क्लोज टू वन अनदर, और एक दूसरे से बिल्कुल नज़दीक नहीं रहते. हैव एनफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ड्यू टू विच दे कैन मूव, और उनके अंदर पर्याप्त मॉलिक्यूलर स्पेस जगह होती है जो कि वे घूम भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं. हैव फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप, सो लिक्विड्स टेक द स्पेस ऑफ टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पुट. तो लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, तो लिक्विड अपना आकार को अपने कंटेनर में ही अगर रखते हैं तो उसी प्रकार उसका आकार बन जाता है. इफ कैन फ्लो ऑन इट्स ओन, वो अपने आप भी वो कहीं भी फैल भी सकता है, उसका आकार भी बदल सकता है. मॉलिक्यूल्स इन ए गैस, अब देखिए गैस, गैस आप लोग जानते ही हैं. नॉट अरेंज इन एनी पैटर्न, उसका भी कोई आकार नहीं होता है. क्वाइट फार अपार्ट विथ लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत दूरी दूरी पे होते हैं, बहुत सी संख्याओं में मॉलिक्यूल्स उसमें जगह होती है. लूजली पैक ड्यू टू विच दे कीप मूविंग अराउंड, उसके पैकेज जो हैं लूज होते हैं,
जो कि चारों तरफ कुछ घूम भी सकते हैं, उड़ भी सकते हैं, फैल भी सकते हैं। वेरी वीक इंटरमोलकुलर एट्रैक्शन, और इंटरमोलकुलर का एट्रैक्शन पावर जो होता है बहुत ही कमजोर होता है, इसलिए उसका फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। मूव एट ग्रेट स्पीड इन ऑल डायरेक्शन, ये सभी दिशाओं में बहुत तेज गति से फैलने भी लगता है। है फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप, ड्यू टू विच दे टेक शेप ऑफ द कंटेनर। इसका भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, इसका भी आकार नहीं होता है, मगर जैसे आकार में उसको कंटेनर में रखते हैं शेप उसी प्रकार उसका हो जाता है। मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर व्हेन इट इज हीटेड एंड कूल्ड। अब ये जो है आपका ये लेसन यहीं का समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट पेज नेक्स्ट डे। थैंक यू।